देश में हर्षोल्लास और परंपरागत रूप में मनाया गया रंगों का पर्व होली पर्व। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर धाम में पहुंचकर मनाया होली का त्यौहार। कोरोना वायरस के भय से बचाव करने तथा आपसी सद्भावना और सामाजिक समरसता के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील। उधर सैफई में भी रंगों से सराबार हुआ इस बार समाजवादी पार्टी परिवार। होली के मौके पर एक मंच पर नजर आए शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के प्रण चुए। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सैनी ने भी जमकर मनाई होली। जानसठ में एक दूसरे के घर जाकर भी सद्भावना के साथ मनाई होली। पूरे प्रदेश में सभी जगह देखा गया होली का हुड़दंग, जमकर मनी होली। अमीर कला मुजफ्फरनगर के शहर विधायक और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने भी जमकर मनाई होली। अधिकारी सेलवा कुमारी जे भी रंगों से हुई सरोबार, सद्भावना के साथ मनाई होली। आपसी एकता और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट ने भी अपने हिंदू भाइयों को घर जाकर दी होली की शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश रस्तोगी के आवास पर भी जमकर मनाई गई होली, एक दूसरे को दी गई बधाई। देख सकते हैं वो तस्वीरें। प्रदेश में शांतिपूर्ण संपन्न हो होली का त्योहार, इस बाबत भी लिया पुलिस विभाग द्वारा संकल्प। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने भी किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। होली के हुड़दंग में एक पक्ष में हुआ जमकर पथराव और इसके अलावा कई वाहन दुर्घटना। किसी भी सूचना पर पुलिस पूरी तरह से रही मुस्तैद, एक फोन पर ही पुलिस मौके पर। प्रशासन द्वारा शराब की दुकानें कर दी गई थी सील, फिर भी हुड़दंगियों ने शराब का सेवन कर जमकर मचा उत्पात। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील करते हुए क्या कहा सुनवाते हैं। भारत के सशक्तिकरण के लिए हर नागरिक मिलकर के आगे बढ़ सके, इस दिश से सभी गिले शिकवों को दूर करते हुए एक नई सोच के साथ हम सब आगे बढ़ करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ सके। होली का यह पर्व हमें इस बात की प्रेरणा दे रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। होली मनाए उत्साह के साथ, अपने पर्व और त्यौहार को आगे बढ़ाएं। बीमारी का भय और दहशत नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी जरूर होनी चाहिए और सावधानी बचाव के प्रति होना चाहिए और सावधानी किसी भी प्रकार की उस संक्रामक बीमारी से, अगर किसी को सर्दी जुकाम या कोई भी इस प्रकार की स्थिति पैदा है तो वह इस बारे में अवश्य सावधानी रखें। और मैं प्रदेशवासियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। होली जैसा पर्व हमें इस समतामूलक समाज के निर्माण के लिए एक नई प्रेरणा दे सके, हम एक समृद्ध राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सके। जोश में होश भी आवश्यक, उल्लास और उत्साह में कहीं भी कोई ऐसा कार्य न हो जिसके कारण सामाजिक समता के साथ ही किसी प्रकार की कोई अन्य संकट की स्थिति पैदा हो। भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभासद संजय गर्ग और मितिका गर्ग जिला कोषाध्यक्ष द्वारा समस्त जनपद वासियों को होली एवं हिंदू नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। काजी तस्कीर मुशीर एडवोकेट रागिब आलम समाज सेवी अमीर अहमद अंसारी द्वारा भी शुभकामनाएं। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर अनूप सिंह एडवोकेट द्वारा भी समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। मैंने अभी आपको लाइव किया था और उसके बाद अब मैं पहुंच गया हूं जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जनपद है, वहां के हमारे विधायक, खासतौर से खतौली विधायक मेरे साथ अभी तुरंत पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज वो घर घर जाकर स्वयं अपने साथियों के साथ शुभकामनाएं दे रहे हैं। विक्रम सैनी मेरे साथ जुड़ने जा रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक शुभकामनाएं होली की। कैसे मना रहे हो इस पर्व को? सभी देशवासियों को होली के इस पर्व के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है और मस्ती के साथ मनाया जा रहा है, और मेरी सभी से ये अपील है कि खुश होकर मनाएं और बड़े प्यार के साथ मनाएं, कोई लड़ाई दंगा ना करें,
और वो खास तौर से कोरोना का हवा बना हुआ था। थोड़ा कोई हवा नहीं, होली के डर से खुद भाग जाएगा, होली के डर से खुद भाग जाएगा। होली का पानी, होली का गुलाल ऐसा है, यहाँ कोरोना कोरोना सर फेल। और होली के जो सामग्री डाली गई है खास तौर से लोग वगैरह, उससे सब सामग्री चली गई है। गांव में जो हवन हुए हैं घर घर, उससे सब खत्म हो जाएंगे और ये वापस चीन में ही चला जाएगा। और यहाँ पर मंडल अध्यक्ष खास तौर से मेरे साथ भी हैं। जी बताइए कैसा महसूस हो रहा है जानसठ के अंदर? ऐतिहासिक त्यौहार जानसठ कस्बे के अंदर बहुत भाईचारे के साथ सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, हिंदू और मुसलमान सभी साथ मिलकर मना रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो हमारी सरकार का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमने जीता है। अपने नगर के अंदर हम सब लोग बहुत मिलजुल कर होली का ये पावन पर्व मना रहे हैं और सभी कस्बे वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस होली के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर खास तौर से वह शर्मा जी बताइए कैसा आज लग रहा है आप होली उड़ंग में भी हैं? सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विधायक जी हमारे साथ हैं और ये कस्बे का पूरा ध्यान रखते हैं, हर के दुख सुख में शामिल होते हैं और आने वाले टाइम में भी ये हमारे विधायक ही हमें हमारे से यही शुभकामनाएं हैं। पूर्व चेयरमैन नीरज तंवर जी कैसा महसूस है जानसठ की चेयरमैन जी की आपने आज भी और पुराने में क्या अंतर लग रहा है? मुझे अंतर ये लग रहा है कि आज विधायक जी के कारण मैं भी जो है 12 साल बाद जो है होली मनाने के लिए जान कस्बे में निकला हूँ। अन्य मैंने हमेशा घर में बैठकर होली मनाई, 12 साल बाद बाहर निकला हूँ। आज विक्रम सैनी क्योंकि पूरी तरह से मौजूद है, घर घर जाकर वो सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इस त्योहार पर। एक दूसरे के घर जाकर सभी एक मित्रों ने एक दूसरे को कामनाएं दी तथा एक दूसरे के घर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। पूर्व से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में शांति और सौहार्द के साथ होली पर्व अपनाया गया, मनाया गया, रंग रंगों और गुलाल से अबीर गुलाल उड़ाया गया और कहीं कहीं खूब जमकर होली का हुड़दंग भी देखा गया। बनिस्पत इसके कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त हिदायत दी गई थी कि आपसी सामाजिक समरता के साथ और आपसी सौहार्द के साथ ही होली मनाई जाए और इसका असर देखा भी गया। यद्यपि कई दिन पूर्व जो अबीर गुलाल बिक रहे थे पिचकारी होली का सामान की बिक्री इस बार कोरोना वायरस के हवा से कम ही नजर आए। दुकानदार जो है ग्राहकों के इंतजार में रहे लेकिन उसके बावजूद भी जमकर खरीदारी हुई और होली का हुड़दंग भी खूब हुआ। होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया गया। वो अलग बात है कि एक दूसरे ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल भी रखा, हिंदू मुस्लिम आपसी एकता भी हर जगह देखी गई। लेकिन कई स्थानों से हमारे पास ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर वाहन दुर्घटनाएं भी हुई, ट्रैक्टर भी पलटे, चोट भी लगी, पथराव भी हुआ लेकिन फिर भी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ होली का पर्व मनाया गया। आइए सुनवाते हैं। कौन से मौला है? मेरा नाम मौलाना इमरान कासमी है और इस वक्त हम शराफत कॉलोनी पुलिया पर खड़े हुए। अच्छा, कैसा माहौल है, क्या देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है, शांति का माहौल है और जी हाँ, आज होली है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं और इससे एक संदेश पहुंच रहा है और उन लोगों के लिए भी है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज इस त्यौहार के अंदर सब लोग मिलजुल के मना रहे हैं, वो लोग भी अपने दिलों के अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करें और प्यार का संदेश एक दूसरे को दे। क्या लगता है ये मुस्लिम इलाका भी है, जैसे यहाँ पे किस तरह की आबादी है आपकी मोहल्ले की? ये हमारी मिक्स आबादी है, मैं वार्ड नंबर 20 से सभासद हूँ। हमारी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब मिक्स आबादी है, सब प्यार मोहब्बत से का नाम जो है त्यौहार को मना रहे हैं। अब तक क्या स्थिति है, क्या माहौल है? सब बहुत मोहब्बत के साथ में त्यौहार मना रहे हैं यहाँ पे, सब मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। होली की ये रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे के नाम खुशी की बधाई दे रहे हैं। होली सुबह से आप किस तरह मना रहे हो, होली को लेके किस तरह की तैयारी होती है? आपके मोहल्ले में लोग जो हर तरह के लोग रहते हैं, किस तरह से आप लोग व्यवहार रखते हैं? हम अच्छा व्यवहार रखते हैं, हम आपस में भाईचारे का व्यवहार रखते हैं, हम आपस में मिलजुल कर होली बनाते हैं। किस तरह रंग कैसे लगाए आप लोग, किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील भी सुनवाई, उनका संबोधन भी सुनवाया जिसमें उन्होंने सामाजिक समरता के साथ एकजुट होकर बचाव के साथ होली पर मनाने की अपील की। वहीं पर हमने एक मौलाना और दूसरे पक्ष को भी सुनवाया जिन्होंने आपसी सौहार्द एकता के साथ इस होली पर्व को मनाया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा देश जो है वो महान पर्वों का पर्व होता है। हिंदुस्तान में सभी मजहब के लोग अपने अपने त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और खासियत ये होती है कि दूसरे संप्रदाय के लोग उनके अंदर शिरकत करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और यह मेरे देश की विशेषता है। और हो भी क्यों ना, जब आपसी सौहार्द कायम हो और एक दूसरे को बधाई मिले तो चार चांद लग जाते हैं उस पर्व पर। मैं आज यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहूँगा कि ये खासियत रहती है कि यदि कोई एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष पर कटाक्ष करता है तो वही पक्ष उसको रोक देता है और किसी भी रूप में अपने सांप्रदायिक सौहार्द पर आँच नहीं आने देता। एक ऐसी
घटना मेरे सामने भी आई थी, जहाँ पर एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहा था, उधर से एक मुस्लिम समाज की महिला गुजर रही थी, उसने कटाक्ष किया, लेकिन उसी शराबी पक्ष के व्यक्ति ने उसको डांटते हुए उसको वहां से खदेड़ा। सल्यूट मेरा दोनों पक्षों को, ऐसे संप्रदाय को रखते हैं हर हाल में सांप्रदायिक सौहार्द कायम। बने रहिएगा मेरे साथ आदि शीश में चीफ एडिटर बार और बैंक।